अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं अपनी CS 408 ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये आप लोगों के हैंडमेड एमसीक्यूज हैं, मीन के आपके जो लेक्चर्स हैं उनको रीड आउट करके हर लेक्चर्स में से जो जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज थे उनको फाइंड आउट किया है। तो हम अपने जो है इसमें और होप्स के और इसमें आपके जो सारे क्विजेज हैं वो भी इस फाइल के लास्ट पे ऐड हैं, और जो आपका सैम्पल पेपर है उसके एमसीक्यूज भी इसमें ऐड हैं, ठीक है। तो होप्स कि ये फाइल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी, आपके हेल्प मिलेगी इस फाइल से और आपका पेपर जो है बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहले हम इसको जो है थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आए, ठीक है। और वीडियो देखते हुए जो है उसकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ कर लिया करें, एडवांस ऑप्शन में जाके सेटिंग से एडवांस से उसकी जो रेजोल्यूशन वो इंक्रीज़ कर लिया करें ताकि जो है वो आपको क्लियर नज़र आए स्क्रीन से, ठीक है। तो हम अपना पेपर जो है स्टार्ट करते हैं, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और फर्स्ट वन हमारे पास है डैश इज़ अ वर्ड दैट मोस्ट पीपल एसोसिएट विद साइंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। कौन सा वर्ड है जिसको लोग एसोसिएट करते हैं साइंस या ऑब्जेक्टिविटी के साथ? जो रिसर्च है, रिसर्च हम बेसिकली साइंस में ज़्यादा करते हैं, तो ये लोग इसको ज़्यादातर साइंस या ऑब्जेक्टिविटी के साथ रिसर्च जो है वो एसोसिएट करते हैं। डैश रिसर्च कैन ओनली आंसर क्वेश्चन अबाउट हाउ मच और हाउ मैनी पीपल अलॉन्ग अ फ्यू रिडक्टिविटी एक्सिस। कौन सा है, कौन सी रिसर्च है जो बताती है कि हाउ कैन ओनली आंसर, जो रिसर्च यूजर्स हैं वो आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन को, या हाउ मच और हाउ मैनी अलॉन्ग फ्यू रिडक्टिविटी एंड रिडक्टिव एक्सिस के अलॉन्ग उसको क्वेश्चन आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वान्टिटिव रिसर्च में होता है। और डैश रिसर्च कैन टेल यू अबाउट वट हाउ एंड वाई इन रिच क्वालिटेटिव डिटेल्स। तो क्वालिटेटिव रिसर्च है जो आपको बताती है कि कितना, क्यों और क्या जो है रिसर्च करना है। और डैश इज़ द डैश एंड डैश टैक्स आर फुल ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर कंडक्टिव क्वालिटेटिव रिसर्च। जो सोशल साइंस और यूजबिलिटी जो है वो टैक्स है फुल ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक फॉर कंडक्टिंग क्वालिटेटिव। और SME स्टैंड फॉर आपको बहुत ज़्यादा आएंगे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। द डैश अप्रोच मीन्स दैट द रियल यूजर्स एंड देयर गोल्स। जो यूजर सेंटर्ड अप्रोच है वो उसका क्या मतलब है कि जो रियल यूजर्स हैं और उनके गोल्स हैं। और इन डैश गोल एंड लिस्ट लेड डाउन थ्री प्रिंसिपल। किसमें, कब, जो क्लाउडन लीव्स ले डाउन है उन्होंने प्रिंसिपल्स जो है वो डिफाइन किया है वुड लीड टू यूजफुल एंड इजी टू कंप्यूटर यूज 1985 में। और जो एथनोग्राफी है एक मेथड है जो कम्स ओरिजिनली फॉर्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। जो एथनोग्राफी है ये ओरिजिनली जो किससे निकला है, एंथ्रोपोलॉजी से निकला है। और इसके जो लिटरली मीनिंग्स हैं मैक्स MCQ हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। लिटरल मीनिंग्स ऑफ एथनोग्राफी राइटिंग द कल्चर। और द एम ऑफ एन एथनोग्राफिक स्टडी इज टू मेक द वो एथनोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी और एथनोग्राफी मिक्स हैं तो इस वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, ठीक है। और द एम ऑफ एथनोग्राफिक स्टडी इज टू मेक द डैश इम्प्लेक्ट एंड एक्सप्लेक्ट। इसको हम इम्प्लेक्ट और एक्सप्लेक्ट करने के लिए इसका जो मेन पर्पज़ है एथनोग्राफी का पढ़ने का वो यही है, ठीक है। और डैश हैज सुजेस्टेड दैट एथनोग्राफी कैन बी एसोसिएटेड विद द डिवेलपमेंट। और बियॉन्ड डेविस ने इसको डिफाइन किया है कि हम जो एथनोग्राफी है उसको एसोसिएट कर सकते हैं डिवेलपमेंट के साथ। और डैश बियॉन्ड डेविस हैज सुजेस्टेड दैट एथनोग्राफी कैन बी एसोसिएटेड विद द डिवेलपमेंट एज, क्यों, क्योंकि डैश एंड डैश एथनोग्राफी मतलब इसके तीन पर्पस हैं, किस किस के साथ एसोसिएट किया, एथनोग्राफी ऑफ एथनोग्राफी फॉर और एथनोग्राफी विद इन, ठीक है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। बियॉन्ड डेविस ने सुजेस्ट किया है एथनोग्राफी को कि उसको डेवलपमेंट के साथ एसोसिएट करें, वो तीन कौन कौन से हैं, तो एथनोग्राफी ऑफ, एथनोग्राफी फॉर। और अब इनकी आपको डेफिनेशन आ सकती हैं कि एथनोग्राफी ऑफ क्या है, ठीक है। तो ये डैश डिवेलपमेंट रेफर्स टू स्टडी ऑफ डिवेलपर्स themselves, क्योंकि कौन सी स्टडी है वो रेफर करती है कि डिवेलपर्स खुद और अपने वर्क प्लेस में खुद स्टडी करें विद इन द एम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब उनका एम जो है वो उसको अंडरस्टैंड करें और प्रैक्टिस करें डिवेलपमेंट में, तो एथनोग्राफी ऑफ में है, ठीक है। और डैश डिवेलपमेंट लीड्स एथनोग्राफिक
स्टडी, वो कौन सी स्टडी है कि जो एथनोग्राफिक दैट कैन बी यूज्ड, जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ रिसोर्स डेवलपमेंट में, लाइक जैसे स्टडीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल वर्क, ये एथनोग्राफी फोर है। और वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो स्टडीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल वर्क है ये किस डेवलपमेंट या कौन सी फील्ड है एथनोग्राफी की, कि तो आपने लिखना है एथनोग्राफी फोर में हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल वर्क की। और डैश सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्टडी, कौन सी मोस्ट कॉमन फॉर्म स्टडी है और कौन सी टेक्निक एसोसिएट है एथनोग्राफी की जिनको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो मेथड्स में या जो अप्रोच हमारे डेवलपमेंट में यूज़ होती है एथनोग्राफी विद इन है। और द डैश डायमेंशन कौन सी डायमेंशन है जो फोकस करती है कि जो डिस्ट्रीब्यूट करें नेचर के जो टास्क के एक्टिविटीज़ हैं, मतलब के जो उनका मैकानिज़म है जिनके ज़रिए वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और ये एथनोग्राफी ये फ्रेमवर्क्स हैं, फ्रेमवर्क है एथनोग्राफी ऑफ फ्रेम है एथनोग्राफी का, ठीक है। जो जो डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेटेड डायमेंशन है ये उस चीज़ पर फोकस करती है कि जो टास्क और एक्टिविटीज़ हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और डैश डायमेंशन फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट फॉर द वर्क, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो फोकस करती है ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट पे, लाइक जैसे उसका वर्क फ्लो मॉडल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स होते हैं जिनको हम सपोर्ट वर्क के लिए यूज़ करते हैं, तो ये प्लान्स या प्रोसीजर्स हमारे डायमेंशन है, ये भी हमारे एथनोग्राफी का एक फ्रेम है, ठीक है। एथनोग्राफी के तीन फ्रेम है, ये भी आपने याद रखना है। डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन है, सेकंड प्लान्स एंड प्रोसीजर है, और थर्ड वन जो है वो अवेयरनेस ऑफ वर्क है। और द नेक्स्ट एमसीक्यू है द डैश अवेयर डायमेंशन फोकस ऑन हाउ पीपल कीप देमसेल्फ अवेयर ऑफ अदर वर्क, किस तरह से लोग अपने आप को दूसरों के वर्क से अवेयर कर सकते हैं, तो ये अवेयरनेस ऑफ वर्क डायमेंशन है जो फोकस करती है कि अपने आप को अवेयर रखा जाए। कोहरेंस हैज़ अ सेट सेट ऑफ डैश, जो कोहरेंस है वो सेट है डैश एंड डैश क्वेश्चन का, ये कंसर्न एसोसिएटेड क्वेश्चन का एक सेट होता है, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल डिज़ाइन हैज़ डैश पार्ट, सेवन कॉन्टेक्चुअल डिज़ाइन के सेवन पार्ट्स हैं। और कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी अकॉर्डिंग टू डैश इज़ बेस्ड ऑन मास्टर एप्रियंट्स मॉडल ऑफ लर्निंग ऑब्जर्विंग है, कौन सा मॉडल है जो मास्टर एप्रियंट्स मॉडल या लर्निंग या ऑब्जर्विंग या क्वेश्चनरीज में आ जाता है, जो आस्क हम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं यूजर से कि वो अगर वो क्राफ्ट्स मैन है या इंटरव्यूज है न्यू अपरेंट्स उनको, तो ये बियर या हॉल्ट्स हॉल्ट्स ब्लैट ने इनको डिफाइन किया, ठीक है। और डैश यहाँ से आपका जो से लास्ट टर्म लास्ट फाइनल टर्म का जो पेपर है वो इंक्लूड होता है। डैश इज द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्स हैज़ रिजल्टेड फ्राम न्यू टेक्नोलॉजी एडवांस एडवांस, फॉर एग्जाम्पल द डिवेलपमेंट ऑफ द सिलिकॉन चिप, यह ड्रामेटिक डिक्रीज में होता है। और डैश ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस स्किल्स आर डैश एंड डैश सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस है जो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो इंटरफेस स्पेशलिस्ट हैं उनको हम यूजर सेंटर कहते हैं, और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनको हम सिस्टम सेंटर कहते हैं। अब आप लोगों ने इसको किस तरह से याद करना है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं ना वो सिस्टम सेंटर्ड होते हैं, मतलब कि सॉफ्टवेयर एस से आपने इसको याद रखना है, और जो ये इंटरफेस स्पेशलिस्ट है इसको अपने यूजर सेंटर से याद रखना है, ठीक है। और जो इंजीनियर्स का काम है सॉफ्टवेयर से रिलेट होता है, सिस्टम से रिलेट होता है, तो आप लोगों ने इसको इस तरह से याद रखना है पहले जो, हाँ जी, इनको मिक्सअप नहीं कर देना है। डैश अकर टू डिस्ट्रॉय द फिजिकल हेल्थ एंड इमोशनल स्टेबिलिटी एंड लेफ्ट इट अनचैलेंज्ड द इकोनॉमिक स्टैंड ऑफ वट एवर पॉपुलेशन इज ट्राई, जो कंप्यूटर रहेगा वो अकर होती है कि वो फिजिकल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करे, इमोशनल को स्टेबल करे और लेफ्ट करे अनचैलेंज्ड इन्वायरमेंट में, और जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है उस पॉपुलेशन स्ट्राइक के साथ ही होती है, जो भी उसकी पॉपुलेशन स्ट्राइक हो। और डैश डिज़ाइन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एलन के ने 1970 में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिज़ाइन किया, और इसको हम का जिसको हम का स्मार्ट डॉक भी कहते हैं। और डैश रेफर्स टू डिफाइन एंड डिज़ाइन टूल्स एंड आर्टिफैक्ट्स फॉर डिफरेंट फ्रेमवर्क्स एंड एनवायरनमेंट सूट द कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटीज ऑफ यूजर, आर्गोनोमिक्स जो है वो रेफर करती है कि डिफाइन करें या डिज़ाइन करें टूल्स को आर्टिफैक्ट्स को फॉर डिफरेंट वर्क इन्वायरमेंट्स के लिए, और उनको कैपेबिलिटीज या उनकी जो कैपेसिटीज़ हैं उनको अकॉर्डिंग टू यूज़र्स की। और जो नेक्स्ट हमारे पास है जी, एक्सपेरियंशियल एंड रिफ्लेक्टिव आर द टू डैश डिस्टिंग्विश्ड बाय नॉर्मन इन 1933, ये मोड्स हैं, मोड्स ऑफ कॉग्निशन के दो मोड्स हैं, ये आपको ऐसे भी आ सकते हैं कि मोड्स ऑफ कॉग्निशन कौन कौन से हैं, एक्सपेरियंशियल ऑफ कॉग्निशन एंड रिफ्लेक्टिव ऑफ कॉग्निशन, और इनको जो है किसने, ये भी आपको आ सकता है कि एक्सपेरियंशियल जो मोड्स हैं, मोड्स ऑफ कॉग्निशन है उनको किसने बयान किया, जो ये नॉर्मन ने किया और कब किया, 1933 में। तो इससे आपके तीन चार से पांच एमसीक्यूज बनते हैं, इनको आपने माइंड में रखना है।
कलर इज यूजली रिगार्ड एज बीइंग मेड ऑफ, कलर जो है वो तीन चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं, फर्स्ट वन ह्यू है, देन इंटेंसिटी है एंड सेचुरेशन है, इसको अपने माइंड में रखना है। और ग्रीन, ऑरेंज एंड पर्पल कलर्स आर एग्जांपल्स हैं सेकेंडरी कलर्स की। ये प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं, टर्शियरी कलर्स कौन से होते हैं, हाइब्रिड कलर्स कौन से होते हैं, ये आप लोगों ने सारे अच्छे से देख लेने हैं, ठीक है। और डैश आर एनी थ्री कलर्स, कौन से जो कलर्स हैं जिन विच आर साइड बाय साइड ऑन अ पार्ट, 12 पार्ट्स कलर व्हील एंड वन ऑफ दी थ्री कलर, जो एनालॉगस कलर होते हैं उनके साइड बाय साइड 12 पार्ट होते हैं कलर व्हील का, और जहाँ पे वन कलर जो है वो पैरा प्रीडोमिनेंट होता है आउट ऑफ थ्री में से। और डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम वर्किंग, डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम वर्किंग वेयर वी कैन हेयर म्यूजिक और वॉइस इन द टेक्स्ट रूम इज़ एन एग्जाम्पल, ये इन्वॉलंटरी अटेंशन है। डैश ड्राइव द लॉजिकल नेसेसरी कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन प्रीमिसेस, डिडक्टिव रीजनिंग है। और डैश नॉर्मास हैज कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन टाइप्स व्हिच आर स्लिप्स एंड मिस्टेक, कैटेगराइज किया है टू मेन टाइप्स में जो कौन कौन सी हैं, स्लिप्स एंड मिस्टेक्स हैं। और डैश अलाउज टू कंट्रोल द कंप्यूटर बाय सिंपली लुकिंग एट इट, सम सिस्टम रिक्वायर्स यूज टू स्पेशल ग्लासेस, जो आई गेस होते हैं उनके हम स्पेशल ग्लासेस का यूज़ करते हैं, स्मॉल हेड माउंटेड बॉक्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं कि वो कंट्रोल करे सिस्टम उसकी तरफ सिर्फ देखने से। और डैश इज डिफेक्ट इंटरफेस, कौन सा डिफॉल्ट इंटरफेस इंटरफेस स्टाइल है या मेजोरिटी ऑफ इंटर कंप्यूटर सिस्टम्स का जिसको हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली या हमारे जो पीसी या डेस्कटॉप वर्क स्टेशन एरिना में होता है, तो ये कौन सा होता है, द WIMP इंटरफेस। और WIMP का आप लोगों ने स्टैंड फॉर अच्छे से याद करना है, विंडो इंपोर्टेंट का कुछ जो है वो स्टैंड फॉर है, वो आप अपने हैंडआउट से भी देख सकते हैं। और डैश हैज़ द इंटेंशन टू क्रिएट द कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डैट प्रीमिट्स आर फिजिकल इन्वायरमेंट सो मच डैट वी डोंट नोटिस द कंप्यूटर एनी लॉन्गर, एंड यूबीक्विटस कंप्यूटिंग है। और डैश एस्पेक्ट्स गिव हिंट्स एंड टिप्स अबाउट यूजिंग एंड क्रिएटिंग यूजर इंटरफेस आइटम्स लाइक डायलॉग बॉक्सेज एंड पुश बटन्स, ये टैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं हमारे हिंट या टिप्स के जिसको हम यूज़ करते हैं इंटरफेस आइटम्स क्रिएट करते हुए। और डैश वॉज ड्राइव फ्रॉम एम्पेरिकल वर्क टू अंडरस्टैंड हाउ डिजाइनर्स टैग, HCI स्टैंड फॉर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, और ये कौन सी होती है, स्टार लाइफ साइकिल होता है जिसमें एम्पेरिकल वर्क है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए डिजाइनर जो है वो टैकल लेते हैं उससे। और डैश आर द परफेक्ट प्रीफ्यूचर इंटरमीडिएट आइटम्स इडियम्स एज दे से नथिंग अबाउट स्कोप पर्पस एंड मीनिंग ओनली दे स्टेट फंक्शन इन द ब्रीफ ऑफ इडियम्स, मतलब कोई भी बटन है जैसे हमारा अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं ना इसको, ये 3 लाइंस पे करेंगे या टेक्स्ट पे करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट हो रहा है ना इसको हम कहते हैं टूल टिप। अब देखें इसका कोई पर्पस नहीं है, इसको यहाँ पे क्या उसका कोई ना है, उसका कोई स्कोप है ना पर्पस है ना मतलब है, ठीक है। जस्ट वो क्या करता है, फंक्शन को डिस्क्राइब करता है। तो अब ये क्या बता रहा है कि ये जो ए है ये इंक्रीज करेगा फोन साइज को, अब इसका फंक्शन नहीं है, बस ये बता रहा है कि ये वाला जो इडियम है ये वाला क्या करेगा, इसको हम कहते हैं टूल टिप कहते हैं। डैश कैन टेल यू अबाउट वाट, ये हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च है कि वाट हाउ कैन एंड वाई रिच, ये मैंने जो हैंडमेड एम्सक्यूज उनमें आपको बताया हुआ था, जो ये आप शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। और स्टेक होल्डर इंटरव्यू, सब्जेक्ट मैटर इंटरव्यूज़, ये भी हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च में आते हैं। यूज़र कस्टमर इंटरव्यूज़ हैं या लिटरल रिव्यूज़ हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो ये हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च है। डैश रिक्वायरमेंट्स कैन इंक्लूड डिवेलपमेंट टाइम लाइन रेगुलेशंस, प्राइस स्ट्रक्चर एंड बिजनेस मॉडल्स, ये बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हैंडल करती हैं डेवलपमेंट टाइमलाइंस को और रेगुलेशंस को, प्राइस स्ट्रक्चर है या बिजनेस मॉडल्स है। और कंटेनर्स फॉर ऑब्जेक्ट दैट मस्ट बी कंपेयर्ड और यूज, कंटेनर्स के जो ऑब्जेक्ट जो कंपेयर करते हैं या यूज़ करते हैं टुगेदर शुड बी, उनको होना चाहिए एडजस्टेंट होना चाहिए ईच अदर के ताकि वो एडजस्ट हो सकें। और डैश प्रिंसिपल हेल्प डिफाइन द लुक एंड फील ऑफ इंटरफेस, जो कंसेप्चुअल लेवल है वो डिफाइन करता है, हेल्प करता है डिफाइन करने में लुक है उसके जो फीलिंग्स होते हैं। द पोस्चर ऑफ योर डैश टेल्स यू अबाउट, जो किसी भी चीज़ का जो इंटरफेस है वो आपको बताता है कि उसका बिहेवियर स्टांस और विच
इंटर्न डिक्टेट और मैनी ऑफ द इम्पोर्टेंट गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड करता है। और डैश मैनी डिवेलपर्स इमेजिन द आइडियल इंटरफेस, बहुत सारे जो डिवेलपर्स हैं वो इमेजिन किए जाते हैं आइडियल इंटरफेस के लिए कि वो उनको टू बी एन अ टू वे कन्वर्सेशन विद इन द यूज़र। द ओनली वे टू डिटरमाइन वेदर अ फंक्शन और बिहेवियर इज एक्सरसाइज इन बाय कंपेयरिंग इट टू यूज़र गोल्स। कोई भी डिटरमाइन करता है फंक्शन है या बिहेवियर है वो एक्सरसाइज करता है, उसको हम कंपेयर करें तो ये हमारी यूज़र्स गोल्स में होता है। और मेयरिंग यूज़र परफॉर्मेंस टू कंपेयर टू और मोर डिज़ाइन हैव बीन बेडरॉक ऑफ डैश टेस्टिंग, बेडरॉक ऑफ डैश टेस्टिंग। ये मिस है हमारा 27, इसको भी अभी कंफर्म कर लेते हैं। और ये आपका WIMP स्टैनफोर्ड, मैं आपको बता रही थी तो ये आपने देख लेना है यहाँ से, स्टैंड फॉर विंडो आइकन्स मेन्यूज एंड पॉइंटर्स, ठीक है। आपके हैंड आउट से ही मैंने वेरीफाई किए हैं। तो बेडरॉक्स मयरिंग यूजर परफॉर्मेंस टू कंपेयर टू और मोर डिजाइन हैज़ बीन बेडरॉक ऑफ यूजबिलिटी टेस्टिंग, ठीक है। ये तो ये हमारा यूजबिलिटी टेस्टिंग है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। टू और मोर हैज़ बीन, ठीक है। और एन एथनोग्राफिक स्टडी इन डैश होम्स यू वुड बी मोर अप्रोप्रिएट, यूजर्स होम होते हैं, और डैश एन एथनोग्राफिक स्टडी इज डैश होम वुड बी मोर अप्रोप्रिएट है, वो यूजर्स है। और डैश नेम्स आर द स्ट्रीट साइंस ऑफ द वेब पेजेस हैं, स्ट्रीट साइंस होते हैं जो इम्प्लीमेंट है रिवॉल्वर्स इन टैब्स और बटन बार्स, ईच बटन नीड्स टू बी सेपरेट। ग्राफिक में हम करते हैं कि जो टू या उसके टैब्स हैं या बटन बार्स हैं, ईच बटन को सेपरेट करने की जरूरत, तो ये हम ग्राफिक्स में करते हैं। और डैश एड्स टेक अप टू मच फेस, बैनर जो है टू मच स्पेस करते हैं। ऑन द डैश साइड वी आर मेनली कंसर्न विद टास्क द स्टेप इन्वॉल्व इन अ प्रोसेस एंड हाउ पीपल थिंक अबाउट कंप्लीटिंग दैम। तो ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर साइड पे हम जो मेनली हमारा कंसर्न जो होता है वो टास्क के ऊपर होता है कि जो उसमें स्टेप इन्वॉल्व होते हैं या प्रोसेस होते हैं कि पीपल उनको किस तरह से, लोग उनको किस तरह से कंप्लीट करेंगे। मोर एक्सपीरियंस्ड कंप्यूटर यूजर माइट विजुलाइज अनडुअल स्टोरेज फैसिलिटी फॉर डैश डेटा, स्टोरेज करता है उसको क्लियर करता है या अनडू करता है, मतलब उसको डिलीट करता है स्टोरेज फैसिलिटी को डाटा के लिए। और इफ़ द यूज़र डिसाइड टू डैश डॉक्यूमेंट ही कैन जस्ट क्लिक ऑन इट एंड एडिट इट प्लेस, अपडेट के लिए करता है। इफ़ द यूज़र डिसाइड कर लेता है कि टैग उसको जस्ट क्लिक करे और एडिट करे तो ये हमारा अपडेट होता है। द ह्यूमन डैश इज सुपर पैटर्न प्रोसेसिंग कंप्यूटर ब्रेन। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर अबाउट डैश टूल्स इज दैट सिंपलर इज बेटर, जो सिंपल होता है वो बेटर होता है। ये मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कंसिडर की जाती है अबाउट टूल्स के रिगार्डिंग, ठीक है। और अ डैश कंप्यूटर कैन बी यूजफुल अल्टरनेटिव बिकॉज इट इज़ मोर ऑब्स्ट्रक्टिव एंड कम्बरसम एंड इट्स बैटरीज नीड रीचार्जिंग एवरी फ्यू हॉर्स। लैपटॉप्स जो हैं वो यूजफुल हैं अल्टरनेटिव यूज़ करने के लिए, ऑब्स्ट्रक्टिव भी ऑब्ट्रसिव भी हैं, कम्बरसम भी हैं, और इसकी जो बैटरीज हैं वो रिचार्ज मतलब कि फ्यू हॉर्स में हमें रिचार्ज करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। और डैश फॉर द इंटरव्यू हैज़ अ बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ गाइडलाइंस, टेस्टिंग जो है एक इंटरव्यू है जो बेसिक स्क्रिप्ट है गाइडेंस का। और मोस्ट एरर मैसेजेस बॉक्स आर इंफॉर्मिंग द डैश यूजर यूजर ऑफ द इनएबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम टू वर्क फ्लेक्सिबल। और इन 1985 क्लाउड एंड ल्यूस ले डाउन थ्री प्रिंसिपल दे बिलीव वुड लीड टू अ डैश यूजफुल एंड ईजी टू यूज कंप्यूटर सिस्टम। डैश अकॉर्डिंग टू बेयर एंड हॉल्स इज बेस्ड ऑन मास्टर अप्रेंटिस मॉडल ऑफ लर्निंग, ऑब्जर्व एंड आस्किंग क्वेश्चन ऑफ यूजर्स एज इफ शी मास्टर क्राफ्ट्समैन ही इंटरव्यूज द न्यू अपीयरेंट, कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी है, ठीक है। ये हमने पहले भी देखा था। यहाँ से आप लोगों के जो क्विज़ हुए हैं आपके वो सारे स्क्रीनशॉट्स उनके ऐड हैं, तो इनमें से आपके तकरीबन बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाते हैं, तो इनको भी आप लोगों ने सिर्फ एक दफ़ा देखना ही है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ तो यहाँ पे देखें, विच ऑफ़ द फॉलोइंग डिपिक्ट द शेप ऑफ द चेक बॉक्स, जो सिक्योर है वो डिपिक्ट करता है किसी भी शेप होती है चेक बॉक्स की, तो उसको
डिपिक्ट करता है। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट, ये कर लिया है हमने। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लोरिंग हाउ चिल्ड्रन टॉक टुगेदर इन ऑर्डर टू सी इफ एन इनोवेटिव न्यू ग्रुप वेयर प्रोडक्ट वुड हेल्प देम टू बी मोर इंगेज वुड प्रोबेबली बी बेटर परफॉर्म्ड बाय अ डैश। यूजबिलिटी टेस्टिंग में होता है कि उसका एक्सप्लोर करता है कि किस तरह से एक दूसरे से टॉक करेंगे, या इनोवेटिव या न्यू ग्रुप्स हैं प्रोडक्ट्स के, और ये सारी चीज़ें हमारी यूजबिलिटी टेस्टिंग में आती हैं। और डैश है, नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हाट साइट इज दिस स्टेट रिप्रेजेंट, ये क्या मतलब के जो भी साइट है वो क्या परफॉर्म करेगी। जैसे हमने ये बताया था कि हमारी जो ये सारी है कि अब ये क्या बता रही है कि ये जो साइट है ये कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म करेगी, तो इस साइट को हम क्या कहते हैं, टूल बार कहते हैं। ये स्टेटमेंट जो है टूल बार हमारी कहलाती है। और डैश फिगरिंग आउट वेयर यू आर ऑन द वेब इज कॉल्ड, जो आप कहाँ हैं वेब के ऊपर, तो ये आपकी नेविगेशन, वेब की जो नेविगेशन होती है वो आपको बता दी है कि आप कहाँ पे हैं। डैश हैज़ अ गोल ऑफ असेसिंग वेदर द प्रोडक्ट वर्क अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेसिफिकेशन। क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो कंफर्म अश्योर करती है कि जो प्रोडक्ट है वो वर्क कर रही है अकॉर्डिंग टू इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, द कॉन्ट्रास्ट साइज इज यूजेबल पार्टिकुलरली इन डिस्प्ले ऑफ इंटरफेस डिजाइन है। वन द यूजर मिस टाइप द डैश की अंडू एंड एनोरिस करेक्टर बैक स्पेस हम कहते हैं कोई भी जब हमें मिस टाइप हो जाता है। और द डैश इज गिवन स्ट्रक्चर ऑन द सॉफ्टवेयर साइड थ्रू इंटरेक्शन डिजाइन स्केलेटन होता है। द डैश पर्सोना एड्रेस द नीड्स ऑफ कस्टमर्स नॉट द यूजर्स। कस्टमर पर्सोना जो एड्रेस करता है सिर्फ कस्टमर्स की नीड को, यूजर्स की नहीं करता। डैश आर परहैप्स द लीस्ट डॉक्यूमेंट पैटर्न बट दे आर नॉनेथलेस इन वाइड स्प्रेड यूज। स्ट्रक्चरल जो है वो परहैप्स करता है डॉक्यूमेंट पैटर्न को। और गोल ओरिएंटेड कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो आर डैश टास्क ओरिएंटेड देन की पाथ सिनेरियो। जो गोल ओरिएंटेड कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो है वो मोर टेक्स्ट टास्क ओरिएंटेड है पाथ सिनेरियो के। और द डैश आर कॉन्सिको नरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ वन और मोर पर्सोनाज यूजिंग अ प्रोडक्ट टू अचीव अ स्पेसिफाइड गोल। ये पर्सोना बेस्ड सिनेरियो है। और सिनेरियो कंटेंट एंड कंटेंट कॉन्टेक्स्ट आर ड्राइव्ड फ्रॉम इंफॉर्मेशन गैदर ड्यूरिंग द रिसर्च फेज में जो गैदर की जाती हैं और एनालाइज की जाती हैं ड्यूरिंग द मॉडलिंग फेज में। और डैश डेस्कटॉप एप्लीकेशन फिट इन टू टू डैश कैटेगरीज, डेस्कटॉप जो एप्लीकेशन को टू कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है। व्हाट इज़ द फोर्थ स्टेप, क्या है रिक्वायरमेंट्स का विद रिस्पेक्ट टू पर्सोना बेस्ड डिजाइन कंस्ट्रक्टिंग द कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो। ठीक है, ओवरव्यू सर्व अ सिमिलर पर्पस टू डैश इन एन इंटरफेस। साइन पोस्ट जो है वो सर्व करता है सिमिलर पर्पज ओवरव्यूज का जैसे इंटरफेस के लिए होता है। और अ क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो हेल्प आउट करती है कि अंडरस्टैंड करें कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं और उनको किस तरह से यूज़ किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो थे जी। आपके सैम्पल पेपर भी है, आपके MCQs फाइल भी हैं, और आपके हैंडमेड मतलब के MCQs जो फाइंड आउट किए हैं आपके हैंड्स आउट से, तो वो भी इसमें इंक्लूड है, बिल्कुल वेरीफाई हैं। अगर कहीं पे भी ह्यूमन है, गलती हो जाती है, कहीं पे आपको कोई रॉन्ग MCQs मिले तो काइंडली उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।